शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप सब ने अपने जीवन में एक कहावत तो सुनी ही होगी कि एक चुप सौ को हराए, सुनी है ना? और इसीलिए कई बार हम जीवन में चुप रहते हैं, मौन रह जाते हैं, क्योंकि यह सत्य है कि एक मूर्ख के लिए मौन रहने से अधिक श्रेयस्कर उत्तर और कुछ भी नहीं हो सकता। परंतु क्या जीवन में सदैव मौन रहना, सदैव चुप रहना क्या उचित होता है? नहीं। जहां पाप का बल बढ़ रहा, जहां छल हो रहा, वहां मौन रहने से अधिक गंभीर अपराध और कुछ नहीं हो सकता। मौन रहकर कदाचित आप समस्या से बच जाएं, परंतु आप संसार को समस्याओं में उलझा देते हैं। इतिहास साक्षी है कि पापियों के उद्दंडता ने संसार को इतनी हानि नहीं पहुंचाई जितना कि सज्जनों के मौन ने पहुंचाई। यदि कोई मूर्ख बोल रहा है तो मौन रहना उचित है, परंतु यदि कहीं अपराध हो रहा है, छल हो रहा है, तो उठिए और विरोध कीजिए, क्योंकि आप भले ही ना सही परंतु आपकी आने वाली पीढ़ी इस पाप के दंड को अवश्य सहेगी। रुदन शुभ संकेत नहीं है माधव। हाँ पार्थ, कदाचित आज का दिन ये युद्ध कठिनाइयों से भरा होने वाला है। आज की परिस्थितियों के लिए सज्ज रहना पार्थ। अपनी रणनीति बनाने से पूर्व हमारे लिए शत्रु का मन जान लेना, उसकी रणनीति जानना हमारे लिए आवश्यक है। सबको ज्ञात है ना कि आज शत्रु का लक्ष्य क्या होगा? युधिष्ठिर को बंदी बनाना हमारा आज का लक्ष्य होगा। युधिष्ठिर को बंदी बनाकर मुझे इस युद्ध को यही समाप्त करना है। मेरे आज भाई वीरगति को प्राप्त हुए हैं अब तक, श्रद्धांजलि देनी है मुझे उन्हें। बहुत पीड़ा भरी मृत्यु दी है उस भीम ने मेरे भाइयों को। इन पांडवों को इतनी पीड़ा दूंगा कि अपनी मृत्यु की भिक्षा मांगेंगे ये मुझसे। मैं त्रिकर्ण, वचन दो मुझे, आज चाहे जो भी तुम्हारे मार्ग में आ जाए तुम उस पर दया नहीं दिखाओगे। आज चाहे जो कोई भी आ जाए तुम अपना सबसे तीव्र
सबसे तीव्र प्रहार उस पर करोगे। वचन दो मुझे मित्र। तुम्हारा आदेश मेरा वचन है मित्र। आज शत्रु कर्ण का एक भिन्न रूप देखेंगे। आक्रमण! 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 दुर्गास्त्र अद्भुत मित्र कर्ण, अद्भुत। अपना मार्ग ज्ञात है ना सभी को? ये क्या कह रहे हो संजय? युधिष्ठिर सेना के पिछले भाग की ओर बढ़ रहा है, कहीं कहीं उसे हमारी रणनीति का भान तो नहीं हो गया? कौरव युधिष्ठिर को बंदी बनाना चाहते हैं? ये तो मुझे ज्ञात नहीं है महाराज, किंतु युवराज दुर्योधन इस बात से बहुत व्याग्र हो रहे हैं। अवश्य इन पांडवों को हमारी रणनीति का ज्ञात है, इसीलिए भीम एक और हमारी सेना को भ्रमित कर रहा है और युधिष्ठिर पीछे जा रहा है। मित्रकर्ण तुम जाओ, युधिष्ठिर के पीछे तुम जाओ और जाके उसे बंदी बनाओ। युधिष्ठिर को बंदी बनाना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, जाओ मित्र। परंतु मित्र, मैंने महाराज को वचन दिया कि आज किसी भी कौरव के प्राण नहीं जाएंगे, मुझे उस वचन को भी निभाना है मित्र। उसके लिए हम सब हैं यहाँ। युधिष्ठिर तुम्हारे सामने एक दुर्बल योद्धा है, तुम उसे आसानी से बंदी बना सकते हो मित्र। उसे बंदी बनाते ही ये युद्ध यहीं समाप्त हो जाएगा और मेरे भाइयों की रक्षा भी। मुझे ये युद्ध यहीं समाप्त चाहिए कर्ण, जाओ आगे। ठीक है मित्र, परंतु मेरी योजना स्मरण रखना। मुझे तुम्हारी योजना स्मरण रहेगी मित्र, आगे बढ़ो। सत्य से युधिष्ठिर के रथ की ओर तीव्र गति से आगे बढ़ो। योद्धा शत्रु की ओर आगे बढ़ता है, उससे पीछे नहीं भागता। मैं तुम्हें युद्ध का आह्वान देता हूं कौंतेय।
कौंतेय तुम्हारा आवाहन स्वीकार करता है। कल आपने मेरे साथ छल किया माधव। नहीं अंगराज, छल नहीं, ये रणनीति है। ये युधिष्ठिर का रथ है और इस पर युधिष्ठिर को विराजमान होना चाहिए था। वो तुम्हारी भूल है अंगराज, क्योंकि तुमने रथ को नहीं रथी को युद्ध के लिए ललकारा है, और तुमने युधिष्ठिर को नहीं कौंतेय को ललकारा है, युद्ध का आवाहन दिया और उसने तुम्हारे इस युद्ध के आवाहन को स्वीकार किया है। कर्ण, तुम सदैव मुझसे द्वंद करने का अवसर ढूंढते रहे हो। कर्ण, समय आ गया है, अब दिखाओ कि तुम कितने सामर्थ्यवान और कुशल योद्धा हो। अपना आवाहन पूर्ण करो मुझसे, और वहां राजा भीम अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करेंगे। आज मैं 95 कौरों का अंत कर दूंगा। पांचाली को दिया हुआ वचन और कुरु सभा में ली हुई प्रतिज्ञा आज दोनों ही पूर्ण हो जाएंगे। तुम आगे बढ़ो भीम, तुम्हारे मार्ग की बाधा हम दूर करते हैं, आगे बढ़ो। ये क्या कह रहे हो संजय? वहां वासुदेव ने काट से कर्ण को फंसा दी और यहां भीम हमारे व्यू में प्रवेश कर चुका है। शेष तीनों पांडव उसके पीछे हैं। अब कौन बचाएगा मेरे पुत्रों के प्राण? कौन करेगा उनकी रक्षा? तुम कोई भी संकेत दे लो कर्ण, तुम्हारी सहायता के लिए यहां कोई नहीं आ पाएगा, और ना ही मैं तुम्हें कौरवों की रक्षा करने के लिए यहां से जाने दूंगा। तुम कोई भी संकेत दे लो कर्ण, तुम्हारी सहायता के लिए यहां कोई नहीं आ पाएगा। कौन कहता है कि मैं रक्षा के लिए संकेत दे रहा हूं? माधव भले ही तुम्हारे सारथी हैं, किंतु इनकी नीति मैं तुमसे अधिक पहचानता हूं। तुमने भले ही माधव की सहायता से मुझे युद्ध क्षेत्र से अलग कर दिया, किंतु मेरी रणनीति को विफल नहीं कर पाओगे अर्जुन। अर्थात मैं तुम्हारी रणनीति में नहीं, तुम मेरी रणनीति में फंसे हो अर्जुन। तुमने मुझे कौरवों से अलग नहीं किया, बल्कि मैंने तुम्हें पांडवों की सहायता से विमुख कर डाला। अब तुम भीम की सहायता नहीं कर पाओगे अर्जुन, और भीम किसी कौरव का वध नहीं कर पाएगा। भी
हमारा काल बनकर आए थे मूर्ख भीम, परंतु आज तुम स्वयं अपने काल के जाल में फंस गए। प्रिय भ्राता भीम, अकेले ही 100 कौरवों का वध करने की शपथ ली है ना तुमने? तो अब देखते हैं इस शपथ को पूर्ण करने का समर्थ तुम्हें है भी या नहीं। प्रतिज्ञा पूर्ण करना चाहते थे ना गदाधारी? इस प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए तुम्हें अब अगला जन्म लेना होगा, क्योंकि इस जन्म में तुम्हें मरना होगा गदाधारी। निर्भयता से मारा है भी, आज मैं तुम्हारे लहू से उनका तर्पण करूंगा। आज आज मैं तुम्हारे लहू से उनका तर्पण करूंगा। आज भीम, आज मैं अपने भ्राताओं की मृत्यु का प्रतिशोध लेकर रहूंगा। सावधान, आपका प्रतिशोध पूर्ण हो ना हो, परंतु मेरा प्रतिकार आज अवश्य पूर्ण होगा। अभिमन्यु, 2 योद्धाओं के बीच में आना युद्ध नियमों के विरुद्ध। 6 महारथियों ने अकेले ताचरी भीम को घेरा, नियम तो आपने भंग किया है, तो अब यह अधिकार मुझे भी है। अभिमन्यु, चक्र बंधास्त्र, अभिमन्यु तुम भूल रहे हो, मैं तुम्हारे पिता के आचार्य का पुत्र हूं। चक्र बांधस्त्र का तोड़ मैं जानता हूं, चक्र विपरीत अस्त्र भूल तो आप रहे हैं महारथी, विपरीत अस्त्र तभी कार्य करता है
जब युद्ध नीति गत हो, एक योद्धा पर आप सभी ने आक्रमण कर युद्ध नीति भंग की। अब अपनी इस अनीति का दमन देखिए। बालक, बालक, मेरी शत्रुता तुमसे नहीं है, मेरे मार्ग से हट जाओ, अन्यथा अपने प्राणों से हाथ धो बैठोगे। धो तो आज मैं उस कलंक को दूंगा जो मेरे परिवार के माथे पर है, कि अपने कुलवधू के अपमान का प्रतिकार नहीं कर पाए।